आके बैठे ने छह जना आके ने मैंने उठा के ले गए घर ले जाके जोरदार मैंने मारपीट करी है। मोटर स्टार्ट करके मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई है। सरपंच साहब बोले का आपके भूमि 94 बीघा भूमि से बाहर है, आपका पट्टा नहीं बनेगा। तेरा पकड़ लेगा ना आयो जवाब दे बोकरो का भाई तेरी जमीन तेरी है ना पट्टा मैं 94 बीघा में बारह है का। अच्छा। आज जमीन आप खा जाऊंगा एक ये आदमी जमीन के बदले मैंने परेशान करने लग रहा है। झूठ है तो मुंह पर कह दो, असली है तो मुंह पर कह दो मेरे। अब मैं बहुत रोई हूँ थाने का माई। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। करने ही एक बेल आइकन है, बिना थे जरूर प्रेस कर लो ताकि कोई भी नई वीडियो आई तो थारकने नोटिफिकेशन है जो पहुंच जाए। तो आज एक मामलो है खाजूवाड़ा रो, तो खाजूवाड़ा वो मामलो है जमीनी कुछ विवाद है और पट्टा जगह हो रहा है। बिर मामले में कोई है जबकि FIR हो रही है और क्रॉस केस है जो हो है। अब एक पक्ष है जो अपने का नायो है और एक पक्ष आप रखने की कोशिश करा, तो आऊँ आप देखा कि पूरे मामलों के हैं और थे थारी राय है जबकि कमेंट के माध्यम जरूर रखें। तो खाजूवाड़ा एक मामलो निकल सामने आ रहा है तो आप बात करांगा पीड़ित है और मैं दोनों पक्षों की है जबकि FIR भी देखी है तो अन्य कहीं कहना है आप जानने की कोशिश करांगा। राम राम जी। राम राम जी। तो शुरुआती में मतलब बताओगे थे हो के स्वरूपोत में 94 बीघा भूमि खाजवाड़ा की आबादी भूमि घोषित हुई। अच्छा। सरपंच का अधिकार में पट्टा जारी हुआ। अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट ने सरपंच ने मतलब पट्टा जारी करने के वास्ते मतलब सरपंच ने अधिकार दियो। ठीक है भाई पट्टा जारी करो इनका आबादी का 94 बीघा भूमि का। ठीक है। तो मेरी 94 बीघा भूमि का माँ 17 नंबर वार्ड में मेरे मकान मतलब आबादी का माँ है, 94 बीघा भूमि का माँ है। उसके बाद का मैंने जहाँ मिनती हुई है जांच हुई है लंबर ला गया है मेगा बाद में 2-3 दिन बाद का मायने मतलब लंबर वह काट दिया। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद में फिर लगा दिया, फिर 2-3 दिन के बाद में फिर काट दिया, फिर मैं 5-4 दिन निकलियो इन्हें बिना पतो करियो भाई हमारी आबादी भूमि में आई डी है सगड़ी जाँच हो रही है मिनती हो रही है मेगा बाद हमारा लंबर क्यों काटा गया। अच्छा। मेगा बाद का मायने फिर मैं सरपंच ने गयूँ मैं सरपंच साहब मेरी जमीन आबादी का माँ है लंबर ला गया मिनती हो गई सो काम हो गयो तो थे लंबर क्यों काटे है। पुख्ता जानकारी था भी कौन काट रहे हुए वार्ड पंच। अच्छा। सरपंच ने गया जाना सरपंच साहब बोला का साहब का भी तो जांच हो रही है आबादी भूमि में है या नहीं है भी तो जांच चल रही है आपके सही जांच करा के मैं पटो जारी कर दूंगा। अच्छा। जे के बाद का मायने ना फिर मैं सरपंच साहब कन 2-3 बार फिर गयो मैं सरपंच साहब 15-10 दिन हो गया अभी ताई थे कहो पुख्ता जवाब दे अभी ताई कोई जवाब नहीं दिया है। जे के बाद में बोला का अभी तो भाई मिनती वाला भाई इंजीनियरिंग है जो पेमाइस मतलब हुआ पेमाइस मतलब गाइड है कहीं ना नागौर कानी ने बांग ठेको ले उड़ा बिना गाइड है। अच्छा। बाहर जाऊंगा उसके बाद में थारी पेमाइस करा दूंगा। हाँ। उसके बाद में फिर मैं सरपंच साहब बन गयो। हाँ। सरपंच साहब बोले का आपकी भूमि 94 बीघा भूमि से बारह है। हाँ। आपका पट्टा नहीं बनेगा। फिर मैं इन्हें पत्तो करियो फिर मैं जहाँ तहसीलदार है और है जी BDO साहब है कोई कानूनी लड़ाई लड़ी थे आगे के हो आगे। उसके बाद में BDO साहब उनको BDO साहब बोले कि साहब आपके जमीन 94 बीघा भूमि में बारह है इसलिए पट्टो को नहीं बना। तो को नहीं बना जाना फिर इन बिना 2-4 आदमी अबागन गए बोलो कि भाई क्या थारी जमीन पट्टे का मायन है थारो भाई सुमेर सिंह है सतपाल है और शंकर लाल को बेटो रामानंद और शंकर लाल पारी का ये मिलकिन मतलब तेरी भूमि है जो को शंकर लाल पारी रामानंद का नाम से चढ़ा दी गए। अच्छा। इनके थारी जमीन है इकल करके मतलब इनका नाम चढ़ा दी गए थे इन्हें बिना भाजता फिर थे कानून करोगा तो जमीन इनका नाम पट्टो बन गया है इनका नाम चार्ज होकर इनको पट्टो जारी हो गया। फिर इन्हें बिना पूछताछ करी भाई मेरी जमीन है मैं आज 40-41 साल में बैठा तो मेरे पट्टो में इकल करके इनका नाम क्यों करी है बोलेगा ना ना तो इनका नाम करी है ना बेची है ना कोई और करी है तेरी है हाँ मतलब झूठो आश्वासन दे कि न मन मेरी जमीन बात क्यों करी थे सरपंच साहब हूँ BDO साहब हूँ नहीं जब मतलब पता चलियो कि थारा भाई है बी टाइम पंचायत में जहाँ मित्र आ रहा है और है जहाँ आस पास का कोई जानकार आदमी है बाने कोई जहाँ लिखता और कोई देखो है बा मैंने बताया कि भाई तेरी मेरे आँख आ गया तेरे मिलते भाई तो लिखा पटी कराई है और हाँ आदमी आई का नाम चढ़े वार्ड पंच सरपंच आई का नाम करेगा जमीन समेर से कहेगा मेरी है मैं रामानंद शंकर लाल पारी को बेच चुके हूँ आज जमीन तेरी यहाँ चढ़ाई है बाद में थे तहसील में जार मतलब पुख्ता रिपोर्ट आप तहसील में सगड़ा हाँ मतलब क्या कहा एक राह पकड़ लेगा ना आयो जवाब दे बोकरो का भाई तेरी जमीन तेरी है ना पट्टा मैं 94 बीघा बारह है क्या। अच्छा। आज जमीन आप खा जाऊंगा एक सगड़ा कर्मचारी और वार्ड पंच और ये
दो चार ये गांव का आसपास का ये सब मिल के जमीन खा जाऊँ अपना एक ही राह रखोगे। अब चार साल से मैं धक्का खाते फिर कठे भी कोई भी कचहरी में चल जाओ, तहसील में चल जाओ, बी डी ओ साहब में चल जाओ, कलेक्टर साहब में चल जाओ, सेक्टर शाखा सी ओ साहब में चल जाओ। ये विजय का बाद पट्टा में आस पास वाला पट्टा गरा रखे है 27 नंबर पट्टो गरा रखा, 28 मेरा पड़ोसी का, मेरी 29 नंबर सम्मिलित होगी, आगे 30 को पट्टो बने डो है। ऐ सबूत में कटा रखे हैं, पेश करा के सगड़ा सबूत पेश करा के पट्टा पेश करा के। उसका बाद मैंने ये बजिया नयो सरपंच बनया है, नया वार्ड पंच बनया है, फिर मैं गयो नयो बी डी ओ आयो है। तो फिर आ नौबत कठूँ आ गई कि FIR होगी, और FIR पहला बाँ करवाई सामने पक्ष या थे करवाई पहला? पहले तो साहब 17 तारीख कोई 15-20 दिन पहले मेरे साथ लड़ाई झगड़ो करियो जना मैं बीकानेर एस पी साहब को दियो लेटर लिख के मैं साहब मैंने खतरो है, ये आदमी जमीन के बदलो मैंने परेशान करना लाग रहा है और मैंने कद भी मोटो दाव सो कर सका है, मेरे जान ना खतरो है, मेरे पाबंद करवा दियो थे, पाबंद करवा दियो। एक बीकानेर एस पी साहब ने दियो, एक खाजोड़ा एस पी साहब ने दियो, एक थाना में दियो। 12 तारीख की शाम का 6-7 बजे मतलब मैं दुकान आयो, दुकान आने के बाद का मैं ये तकेड़ा खड़ा न पतो कभी की मिसेज है, कोई भी नहीं है, एकलो आदमी है, एकलो देख के ना मतलब मैं क्या घर में बैठे ना मन उठा के ले गए। अच्छा, घर में आ रहा? हाँ, घर में आके ना बैठे ना 6-7 जना आके ना मैंने उठा के ले गए, उठा के ले जाए कि मैंने आपके घर ले जाए कि जोरदार मैंने मारपीट करी है। मारपीट करके ना उसके बाद मैंने 12 रोड के ऊपर मैंने फेंक दिया है। अच्छा, आदमी मतलब के 12 पीठ पाट के नर बाद का मैंने मोटर स्टार्ट करके मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई है। अच्छा, मोटरसाइकिल चढ़ा के ना 2-3 बार मेरे ऊपर की मोटरसाइकिल काटी है, ठीक है। उसका बाद मैं हो गया बेचेत। हाँ, कोई मैंने चेतो नहीं, मैंने कौन तो हॉस्पिटल ले गया है। हाँ, कौन कठे के ले गया है। हाँ, जेका बाद का मैं 8 बजे मैंने चेतो हो हॉस्पिटल में हो। हाँ, भाई आप हॉस्पिटल में आओ, क्या चक्कर है? देखो तो मैं लोहा लू ना, एकदम जगह जगह मेरा फूट है, जगह जगह मेरा पीड़ हो रही है, जगह जगह मतलब एकदम घायल हो रो। रात ने मतलब 8-9 बजे मेरे घर का ना मिसेज ने मैं बच्चा ने आने फोन करो भाई मेरा माँ हालत हो गई है। हाँ, परिवार कठो बीटम जेटे में पूरे बीकानेर हो। अच्छा, ठीक है, मैं एकलो ही हूँ। जगह बाद में है जो को आके ना रात ने 1:30-2 बजे भी खाजोड़ा पहुंचा। खाजोड़ा पहुंच के ना मतलब क्या कहा, FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज करा कि ना सुबह मतलब 4-5 बजे आया कि 2:30 बजे आया कि 3 बजे आया घर आके ना मतलब दुआ पानी कराया। सुबह फेरे मैंने बीकानेर लिया कि भाई तू तो एकलो आदमी हो रहा है, मैं प्राइवेट धंधो कराऊँ रहा, मन तो छुट्टी नहीं है क्यों, प्राइवेट आदमी के एक दिन नहीं भी काम करा तो कार दिन मार ज्यादा नहीं तो रुकियो कौन सा तो थे बीकानेर चाल। क्रॉस केस किन करियो? क्रॉस तो मैं ही करियो। अच्छा, पहला FIR बांध दर्ज करवाई? पहले आप बांध कर दी, बांध तो थाना लान और मोला से FIR मतलब मैं तो एकलो आदमी हो जाना 12-1-2-2 बजे आके संभालियो, मन तो कोई FIR करने वालो हो ही को नहीं। वजह के बताई पहली FIR बांध करवाई जब? वजह बताइए का भाई मन मारना हो गयो और उठा के ले गया मन घर से। अच्छा, समझ गया। अच्छा, जो पहले मैं 17 तारीख ने मतलब हाँ, मेरे कहानी है कि मैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बताई दी भैया कहानी, फोन करूँ माँ था अंदर जान कौन दी, फोन फिर बात करूँ कि 5-7 दिन में करा दूंगा। ये बताई कोई काल भी मैं गयो मैं बोले कि 5-7 दिन लगेगा, 5-7 दिन में करा दूंगा। अच्छा, और जब चोटा का निशान ना बेते डॉक्टर मोहनो करवा लियो सारो? हाँ, डॉक्टर मायनो करायो, चोटा का निशान FIR का मान लिखेड़ी है। हाँ, जितनी मेरा चोट आई है वह लिखेड़ी है। थे भी रात बीकानेर में? हाँ, मैं बीकानेर आईडी सुबह बीननी बीमारी। अच्छा, ज्यादा अन्न में बोली ना जो को मैं बीकानेर जाऊँ 2 दिन और थे बैठे हो, अब 4 साल हो गए जमीन को रोड़ो चलिया न और मैं संभाला तो सुरियान जदर ये बोले तू जाया घर में नौ वाली माँ आई फिर शाम का ये के बात हुई दुकान पर उठ गया। दुकान पर मैं शाम के 5 बजे फोन करियो मैं थे आ गया कि जब बोले रोटी बनाए हूँ मैं तो और मैं फिर जीमू अब फिर रात न अब के हुई कहीं लेके गई कहीं नहीं है मैं तो घर ही को नहीं कागत कारवाई लड़ांगा पान जो को कलेक्टर कन 4 साल हो गया हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। जब बाद मैं बोली अठे ने जो को आप वकील कर रखियो है तो आपने वकील के कारण आपने जमीन 3/129 नंबर है अपना तो आपने छाती रखो अनपढ़ है वो और अपने अगर मजूरी है को नहीं रेडी लगा करके अपना रोटी जी माँ है आप ईमानदारी से आप ले सियाँ और अपनी ईमानदारी से 2 बार जब मैं BDA कन गई पंचायत में ग्राम सेवक कन गई जब BDO बोलो कागज तैयार करके नर मार्क ने लियाओ
तो मैं था ना पट्टा जा रही है ना जो को करके देसा जद मैं लेर गया लेर गया फिर बाद में मैं ले करके जा करके यहाँ मोली मोलियो साहब जके कवे के कहना जो को तेरी पट्टा जा रही मैं है कौन नहीं को ले नहीं गए जब फिर साहब मैं अठे कलेटर कन कागज जुबाब दियो सकाम जुबाब दियो जब ये आया जब वो जुबाब के देवे का चौरान में भी घास बाहर है कह बार है जद मैं बोलियो ना चौरान बिघा संभार है तो ये 3/129 लंबर कहीं आई फिर साहब मैं अठा आई आकर के ना सका मैं अफसर न बुझियो साहब न बुझियो मो साहब भैया असली बात है झूठ है तो मुंह पर कह दो अरे असली है तो मुंह पर कह दो मेरे हैं कह कह पट्टा जारी में है तेरी जमीन जद बस साहब मियाँ बोले माता रानी तेरी है ना पट्टा जारी में है जमीन पट्टाजारी महजमोल साहब ये लम्बर साइन कण करया के साहब मेरा करेड़ाई कह वीडियो झूठ कौन बोल रहा है मोल साहब वो वीडियो नहीं झूठ बोलियो तो 3/129 लम्बर मांगो जद बा मांगिया बोलियो न 30/29 लम्बर मेरा पास लिया बिन पहले कहो जद बोलियो बाहर है जद बोलियो 30/29 मेरे पास लिया जब वो वीडियो के करियो पछा मैंने धीरे जू बात बताई बोलियो बोलियो यहाँ बात है अरे मैं जोड़ गाला क्यों है सारी बात इन्हें साहब ने बताई जब बोले माता रानी तेरा क्लेम लग कोर्टा में कग थी गे वहाँ ही मेरा कोर्टा में कग लगाई जब बोले वो ना माता रानी तो मिल जाएगी पर तन दुख है गए जो मोल साहब मन दुख है ना जो कोरियो मेटो मेरो अनपढ़ आदमी है और मेरे डी लगा के रोटी खावा ईमानदारी से रोटी खावा मैं थाने में बहुत गई हूँ साहब मैं बहुत रोई हूँ थाने का माई मो साहब मैं अनपढ़ हाँ दोनों जना मन बुला करके लोन का मैंने एक कागज ले गई तीन आदमी ले जा करके न आरिया न जो को जालबाजी और मारे घर आया ही दोपहरी में डाठो मार के न आर ये कर्मचारी और फोटो खींच के ले गई मैं पूछियो कह थे मर श्यामू श्याम थे फोटो क्यों खींच रहे हो रे जद के कहे कह मार तो ऊपर ऑर्डर आयो है जब मोली आप लड़ाई तो देखो पूरा को नहीं ये तो गया बहुत बोला और आप गरीब है दोनों रेड़ी लगा के रोटी खानिया मैं बोल 3 साल हो गया अंदर बैठी बहुत कही है पर साहब मेरी सुनाई नहीं करी जांच होनी चाहिए बस हमारी जांच होनी चाहिए और हमारी पट्टाजारी हो जानी चाहिए हमारे क्या है कि जमीन का विवाद चल रहा है और मेरे मम्मी पापा 4 साल से परेशान हो रहे हैं जमीन के बारे में कोई भी बीच में पढ़ना नहीं चाहता हमारी तरफ से कोई नहीं बोल रहा क्यों 4-5 आदमियों के नाम है वो उनके पक्ष में तो इनको क्या है घर से उठा के ले गए ले जा के फिर इनके साथ मारपीट करी छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया अब मेरे पापा ने महीने पहले इनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज की कि मेरे साथ मेरे को परेशान कर रहे हैं मेरे को भी बोला था कि भाई मेरे को परेशान कर रहे हैं मैं परेशान हो गया तब मैं एसपी साहब के पास कलेक्टर साहब के पास सीओ कोठी सब जगह एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे पापा परेशान है और इसकी कुछ कार्रवाई की जाए क्रॉस वाले केस में वो चलना चाहिए ना क्यों नहीं चल रहा 1.5 महीना हो गया मतलब ये है कि पुलिस सब मिली हुई है थारी राय है जो कि कमेंटर माध्यम जरूर बताया और अगर प्रशासन तक अगर थे पहुंचा सको तो जरूर है इन्हें शेयर करो ताकि प्रशासन हमारी आवाज़ सुन सके और निष्पक्ष है जो कि कार्रवाई और निष्पक्ष है जो कि जाँच हो सके थारी कमेंटर माध्यम राय रो मान पूरा इंतजार रहे वालों सागे अगर आसे पासे आने कोई जाना है तो भी थे कमेंट कर बताओ कि मामलो आखिर थारी नज़र में कहीं है जय हिंद जय राजस्थान जय भी गाना।